तो राहुल गांधी के समर्थन में हरियाणा कांग्रेस भी सत्याग्रह करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ये सत्याग्रह रहने वाला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में सत्याग्रह होगा। कांग्रेस में कई नेता भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे, कांग्रेस में कई नेता भी शामिल होंगे और सत्याग्रह यहां पर रहने वाला है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां कांग्रेस में सत्याग्रह भी यहां पर रहने वाला है। तो 12 बजे का समय है, 12 बजे यहां पर सत्याग्रह किया जाएगा कांग्रेस की ओर से। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ये सत्याग्रह रहने वाला है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे, देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला जो है आगे बढ़ता है। राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का वो मामला जिस पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी जाती है, और जिस अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ा था उसी कानून के तहत राहुल गांधी के लोकसभा की सदस्यता चली जाती है। लेकिन काफी तेजी जरूर देखी गई है, महज 30 घंटे के भीतर। अभी 30 घंटे बीते भी नहीं थे कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी जाती, जिसके बाद कांग्रेस आक्रोश में है। वहीं लगातार कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के इशारों पर ये पूरा प्रकरण इस समय हो रहा है राहुल गांधी के साथ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस समय सत्याग्रह को लेकर क्या कुछ तस्वीर इस समय चंडीगढ़ में हम देख सकते हैं कांग्रेस कार्यालय से? देखिए दीपिका, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से सत्याग्रह, जिस तरीके से राहुल गांधी की जो सांसद सदस्यता है वो खत्म की गई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस तमाम जो राज्यों के मुख्यालय है वहां पर ये सत्याग्रह कर रही है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा कांग्रेस की तरफ से चंडीगढ़ में जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा और सत्याग्रह के तौर पर इसे किया जा रहा है। इसका वक्त जो है वो 12 बजे का रखा गया है, यानी अब से करीब 2 घंटे बाद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता यहां पर जुटना शुरू होंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे और इस सत्याग्रह के अंदर भाग लेते हुए नजर आएंगे। और ये एक विरोध के तौर पर शांतिपूर्वक तरीके से जो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय है वहीं पर ये जो सत्याग्रह है जगह जगह प्रदेश कांग्रेस की तरफ से रखा गया है। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में भी इसी तरीके से हरियाणा की तरफ से, चंडीगढ़ कांग्रेस की तरफ से, पंजाब कांग्रेस की तरफ से, इसी तरीके से अलग अलग जगह जो राज्य के जो मुख्यालय है वहां पर ये प्रदर्शन जो है केंद्र की तरफ से रखा गया है और हरियाणा की तरफ से चंडीगढ़ के अंदर ये प्रदर्शन सत्याग्रह के तौर पर किया जाएगा 12 बजे जिसका वक्त रखा गया है। जी दीपशिखा, बिल्कुल जितेंद्र, देखिए और इसी के साथ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमने देखा कुछ समय पहले जब कांग्रेस दरकार ये कर रही थी कि विपक्षी एकता को एक साथ होना चाहिए, तो चाहे बात अखिलेश की करें, ममता की करें या अरविंद केजरीवाल की करें, एक साथ नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण के बाद जहाँ एक तरफ दोराहे पर विपक्ष, चौराहे पर विपक्षी एकता, तो क्या केंद्र में राहुल नजर आ रहे हैं? देखिए फिलहाल अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में ये देखना है कि इस प्रदर्शन को लेकर के किस तरीके की एक सुर की बानगी जो है वो देखने के लिए मिलती है। अगर हम बयानों को लेकर के बात करें तो सीधे तौर पर राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है उसको लेकर के कुछ बातें जो है वो विपक्ष की तरफ से जो पक्ष में नजर आ रही है, लेकिन सीधे तौर पर आने वाले समय के अंदर भी क्या यह पूरे तौर पर एकता बन पाएगी, क्योंकि कुछ एक नेता ऐसे भी है जो घटक दल के तौर पर है, उनके विचार जो है वो कहीं ना कहीं इससे अलग भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसलिए ये देखना है कि 2024 को लेकर के इसका फायदा क्या विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस को मिलता है या नहीं, लेकिन मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है वो एकजुटता के साथ इसका पुंजोर विरोध करते हुए सत्याग्रह के रूप में आज नजर आएगी। और इसको लेकर के हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 12 बजे का वक्त इसको लेकर के रखा गया है। बिल्कुल जितेंद्र, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ आगे रहता है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, एक तरफ जहां पर काफी समय से कांग्रेस के पास मुद्दों का सूखा भी पड़ा था, तो ऐसा माना जा रहा है कि अब कांग्रेस के हाथ एक वास्तविक मुद्दा लग गया है।